जय हिंद बच्चों, आइए हम जानते हैं सरकार की संसदीय प्रणाली में सरकार किस प्रकार से कार्य करती है, कौन कौन अंग इनके साथ वर्क करते हैं और किस आधार पर सरकार व्यवस्था का संचालन करती है, किस प्रकार से अधिकारी काम करते हैं, किस प्रकार से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सहयोग से पूरे देश का संचालन चलता है। और इस संचालन को हम बस एक तरीके से जान सकते हैं, वह तरीका कौन सा है, एक फिगर है। वह फिगर कौन सा है, बस आपको ध्यान में रखना है, सरकार। तो सरकार के कुल कितने अंग होते हैं, तो सरकार के दो अंग, तीन अंग होते हैं। पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर आएगा व्यवस्थापिका, दूसरे नंबर पर आ जाएगा तो इसे कहते हैं कार्यपालिका, और तीसरे नंबर पर आ जाता है तो इसे कहते हैं न्यायपालिका। अगर न्यायपालिका आ जाता है फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, व्यवस्थापिका में सरकार देखती है व्यवस्था के अंतर्गत सरकार के पास कुल कितने अंग होते हैं, तो पहले नंबर पर आता है संघीय सूची, दूसरे नंबर पर अगर आता है इसे कहते हैं समवर्ती सूची, और तीसरे नंबर पर आता है तो इसे कहते हैं राज्य सूची। ठीक उसी प्रकार से अगर कार्यपालिका को देखते हैं तो कार्यपालिका के भी तीन अंग होते हैं, वह कौन सा होता है, पहले नंबर पर होता है प्रधानमंत्री, दूसरे नंबर पर होता है संघीय मंत्री परिषद, और तीसरे नंबर पर अगर कोई वर्क करता है तो वह करते हैं राष्ट्रपति। और उसी प्रकार से अगर न्यायपालिका को देखा जाए तो न्यायपालिका के भी दो अंग होते हैं, पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो अगर मामला न्यायपालिका स्तर पर जाएगा तो देश होगा, और प्रदेश लेवल पर राज्य स्तर पर जाएगा तो उसे कहते हैं प्रदेश। तो प्रदेश का सबसे बड़ा उससे बड़ा न्यायालय है तो उसे कहते हैं उच्च न्यायालय, और देश का सबसे बड़ा अगर न्यायालय है तो उसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, इन्हीं फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं सरकार किस प्रकार से पूरे देश का संचालन करता है और भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली में सरकार की कौन कौन सी भूमिका होती है, उस भूमिका को मैंने एक फिगर के माध्यम से आपके बीच में रख दिया। अब प्रश्न आता है कार्यपालिका किसके अधीन काम करती है, तो दोस्तों आपको एरो पलट देना, किसके अधीन काम करती है, सरकार के। व्यवस्थापिका का काम कौन करता है, तो आप क्या कहेंगे, सरकार के। न्यायपालिका किसके अधीन काम करती है, एकीकृत होते हुए भी किसके अंदर काम करते हैं, तो सरकार के। न्यायपालिका के कुल कितने अंग होते हैं, तो देश की बात आ जाएगी तो सर्वोच्च न्यायालय, प्रदेश की बात आ जाएगी तो उच्च न्यायालय, और कार्यपालिका के रूप में देखा जाए तो जितने भी अधिकारी होते हैं वो अधिकारी किसके अधीन काम करते हैं, तो प्रधानमंत्री, संघीय मंत्री परिषद और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। फिर उसी प्रकार से अगर व्यवस्थापिका की बात करते हैं तो व्यवस्थापिका में सरकार अगर देश के लिए कोई कानून बनाती है तो उसको किस सूची में रखती है, संघीय सूची में। प्रदेश के लिए कोई कानून बनती है तो किस सूची में रखी जाती है, तो राज्य सूची में। और देश और प्रदेश दोनों के लिए अगर कानून बनाया जाए तो उसे रखते हैं समवर्ती सूची में। एक छोटे से फिगर के माध्यम से आप सरकार की पूरी संसदीय प्रणाली को आप जान सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करें।